जय गुरु। आज रक्षाबंधन है, आज श्रावण पूर्णिमा और इसको भी गवाह पूर्णिमा भी बोलते हैं। चलिए आज फर्स्ट पार्ट में श्री ठाकुर जी रक्षाबंधन के बारे में क्या बोले हैं उसके बारे में आलोचना करेंगे। पार्ट टू में हमको रक्षाबंधन के दिन में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, उसके प्रति ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर आलोचना करेंगे। श्री ठाकुर संध्यारे बड़ाल बंगलार प्रांगण में गोटे हाथवाला बड़ बेंच रे ठेस दे बसी। आज राखी पूर्णिमा ज्योत्न समस्त जगाटी छाई जाइए। बेंचर चारिपाखे चार्टा खुंटी बांधि उपर गोटे चांदुआ टाणी दिखाई पाखे अनेक ही आसी बसी। श्री ठाकुर निखिल को कहली देख तो राखी पूर्णिमा मान कौन। निखिल ज्ञान दासर अभिधान नहीं आसी से देखाला राखी मान रक्षा बंधन सूत्र एवं राखी पूर्णिमा मान श्रावण पूर्णिमा यही दिन श्रीकृष्ण झुलण यात्रा शेष हुए। यही समय रक्षाबंधन करने को हुए। श्री ठाकुर कहले राखी मान मु तुमको रखे तुम मत रख। राखी बंधन सहंतीर गोटे पवित्र आनुष्ठानिक बा साक्रामेंटाल रूप। 5/8/1952 आलोचना प्रसंग 21 खंड। राखी का त्यौहार पूरा देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राखी या रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार माना जाता है। राखी का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल राखी पर धनिष्ठ नक्षत्र और गजकेसरी योग होने के कारण रक्षाबंधन को बहुत शुभ योग बन रहा है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि राखी का त्यौहार सबके लिए खुशियां और सौभाग्य का कारक बने ना कि अशुभ का। पहला चीज़ है राखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस दिन किसी को भी अपशब्द ना कहें और ना किसी झगड़े या विवाद में फंसें। सेकंड थिंग है राखी के दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन दोनों ही नहाने के बाद राखी बांधे। थर्ड पॉइंट राखी बांधते समय भाई अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखे, दक्षिण दिशा में मुंह करके राखी नहीं बांधना चाहिए। इसमें भाई बहन का संपर्क में रुकावट आती है। फोर्थ है राहु काल और भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। हालांकि इस साल राखी के दिन भद्रा नहीं लग रहा है लेकिन सायंकाल में कुछ देर के लिए राहु काल रहेगा। राहु काल में राखी ना बांधे या अशुभ होता है। फिफ्थ है कभी भी टूटी हुई या खंडित राखी नहीं बांधना चाहिए। सिक्स राखी खरीदते समय ध्यान दें राखी पर स्वस्तिक ओम या कलश आदि के शुभ चिन्ह बने हैं। अशुभ चिन्हों के राखी नहीं बांधनी चाहिए। सेवेंथ राखी बांधते समय भाई के सिर पर रुमाल अंगोछा या टोपी रखना चाहिए और बहनों को भी अपने सिर पर आंचल या दुपट्टे ढक लेना चाहिए। एट राखी हमेशा भाई की दाई कलाई पर बांधी जाती है। बाई कलाई पर राखी बांधना अशुभ होता है। नाइन्थ भाइयों को राखी बांधने से पहले भगवान का स्मरण कर उनका तिलक लग करें और गण और इष्ट देवता को राखी बांधना चाहिए। टेंथ राखी के दिन बहन को धारदार या कटने वाला नुकीला सामान उपहार में नहीं देना चाहिए। इस दिन भाई बहन काला रंग के कपड़ा पहनना नहीं चाहिए और अक्षत चावल में भाई को तिलक लगाना चाहिए। राखी पूर्णिमा को भाई भौणी स्नेहर पूर्णिमा हिसाब से पर्व हिसाब से पालन करा जाए किंतु राखी बांधि समय केतोटी जिनस ध्यान देवा दरकार। प्रथमतः राखी दिन कौन सी झगड़ा अपशब्द बिवाद न करंतु। यही दिन भाई भौणी माने कला रंगर कपड़ा पिंधिया कथा नुहे। स्वच्छता अवलम्बन करिया दरकार। भाई भौणी गाधवा पर राखी भौणी भाई हाथ में बांधिया दरकार। तृतीयतः रक्षा बांधिया समय भाई निज मुह पूर्व व उत्तर दिगक रखा दरकार। दक्षिण दिगक मुह कले तार उल्टा फल मिलता है। चतुर्थ है राहु काल भद्रारे
राशि बांधिवार कथा नुहे। यही वर्ष भद्रकाळ नाही, किंतु संध्या समय किसी समय पर राहुकाळ रहिब। भंगा बा छिंडी राखी बांधिबे नाही। राखी किणिया समय स्वस्तिक ओम बा कलश आदि शुभ चिन्ह देखि किणिबे, अशुभ चिन्ह थिबा राखी किणिबे नाही। राखी बांधिया समय भाई ता मुंडरे रुमाल बा टोपी पिंधिया दरकार। भौणी मुंडरे आंचल बा किछि ढाकिबा दरकार। राखी भाईर डाहणा हाथरे बांधिया दरकार, बाँ हाथरे बांधिले ताहा अशुभ फल देइथाय। राखी बांधिया समय आपण ठाकुरंकु स्मरण करंतु, ता पूर्वरु आपण ठाकुरंकु पाखरे पूजा करि तापरे भाईकु तिलक लगेबे। राखी दिन भौणीकु भाई जेभळि भाबरे धारवाला काटिलावाला बा नकली उपहार देवा कथा नुहे, रुमाल बा टावल भी उपहार रे देवा कथा नुहे। भाई को तिलक लगे समय भौणी अक्षत चावल व्यवहार करिया दरकार। खंड विखंडित बा भंगा चावल व्यवहार करिया कथा नुहे। आमर श्रावण पुण्या दिन को भी गम्हा पुण्या हिसाब से पालन करा जाए। यही श्रावण मास रे समुद्र मंथन होता, समुद्र मंथन रु जो विष बाहर से ही विष को भगवान शिव पान करते। श्रावण मास रे शिवंकर पवित्र मास हिसाब से गणा जाए। तथापि भी यही मास रे भगवान श्रीकृष्ण एवं बलभद्रंकर भी पूजा करा जाए, कारण श्रीकृष्णंकर भी जन्म मास हिसाब से भी यहाँ पालन करा जाए। यही श्रावण पुनिया को भी ब्रह्मा पुनिया हिसाब से पालन करा जाए। यही दिन गाई बलद को भी पूजा करा जाए। भगवान बलदेवंकर जन्म होता यही दिन। यही दिन राखी भी बंधा जाए। राखी बांधिवार पौराणिक हिसाब से भगवान विष्णु जितेबाला शिशुपाल को बद्ध कलापर तर आंगुठी जो क्षतग्रस्त होता से द्रौपदी तक हाथ में राखी बांधि लुगा काटिक गुड़ाई देते। तार फलस्वरूप कुरुसभार जिते द्रौपदी वस्त्रण होता भगवान विष्णु बा नारायण तुम्हें वस्त्र प्रदान करते। आहरी कहुए कि जमक भौणी जमुना राखी बांधि अमरत्व लाभ करते। राखी बंधा जो जमुना विनती जो प्राण बची जाता। यही भाव रक्षाबंधन यह महत्व एवं यही सब जिनस आम करवा दरकार एवं नक दरकार। जय गुरु।